अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब जनाब खैरियत से अल्लाह का शुक्र है। हाँ मैंने सुना था, पता नहीं कहाँ फंसा हुआ था, तो उस चक्कर में ना फिर वो रिप्लाई नहीं कर सका, लेकिन मैंने उसकी अनाउंसमेंट पहले कर दी थी क्लास में, आप भूल गए शायद। बारह मरतबा मैंने अनाउंस किया था कि जिनका कोई भी मसला हुआ है ना उनके लिए हम लास्ट चांस देंगे, इसलिए वो वेट करें, अभी बस इंतज़ार करें, ठीक है ना, समझ गए ना। गज़वा खंदक भी हो गया था, हाँ पढ़ लिया था, गज़वा खंदक नहीं हुआ, बैटल ऑफ खंदक हुआ था यार, ऑनलाइन उसमें क्लास में पढ़ाया ना, ऑनलाइन में थे नहीं आप, हाँ आप एब्सेंट थे ना, मैंने गज़वा खंदक पढ़ाया उसमें, हाँ क्या हुआ, वही तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, फिर रिबा बराबरी और उसके अलावा तीनों बैटल्स हो गए, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, कस्बे हलाल तो हलाल कमाना, ठीक है भाई ये कंफर्म करें, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करना बुराई से बचना, ये कंप्लीट हो गया था, रेबा इंटरेस्ट ड्राइवरी हो गया, कस्बे हलाल हो गया, अदिल अरबा मैंने पढ़ा दिया था, फोर सोर्सेज ऑफ शरिया, बैटल ऑफ बदर ओहद एंड खंदक कंप्लीट हो गया है, ऐसा ही है ना, तो इस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। आज मैंने सिर्फ ओरली आपसे जो है ना एग्ज़ाम लेना है, टेस्ट लेना है ओरली, उसी को तो मसला हल करा रहा हूँ ना आज, वही तो मसला हल कर, चलो जैसे आपने बोला वैसे मैंने हटा दिया, अच्छा समझ गए भाई, अब मोबाइल बंद कर दो और साइड पे कर दो सारे, अपने से दूर, जिसका मोबाइल उसके हाथ में गोद में आगे पीछे नज़र आया बस उसके वन माइनस होते जाएंगे,
अब यहाँ से एक पेपर पे अपने नाम लिखें, एक पहला बंदा नाम लिखे तो एक और छोड़ के दूसरा लिखे, यहाँ से भी एक पेपर चला लें, पेपर पे अपने नाम लिखते हैं, जो एक जैसे नाम के स्टूडेंट है वो अपना रोल नंबर भी लिखते हैं। वैसे ऐसा मेरा ख्याल है इस क्लास में नहीं है कोई। अपना नाम लिख दें, काफ़ी है, इंशाल्लाह हो जाएगा काम। हाँ 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 एक ही पे लिखते जाए। बैठ जाओ, क्या हुआ, क्या मतलब वैन क्यों, आपकी क्लास है पता नहीं था क्या, किसको बताना भूल गए, तो उसको फोन कर दो कि हमारी तो क्लास है अभी। आप देर से जाकर बैठ, आपके 10 नंबर का मसला है वरना 10 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। करने की क्या बात है, डरने की तो कोई बात नहीं, पेपर नहीं निकालना, सिलेबस पेपर पे अपने नाम देते हैं। ओके सर, ओके ओके, भाई मोबाइल आपका मोबाइल खुला हुआ है, एक पेन दे दें मुझे एक्स्ट्रा किसी के पास से, जल्दी दें, नाम लिखनी है, जल्दी देख कर दो नाम, हो गए।
जल्दी नाम लिखो हाँ जल्दी करके आओ बाहर से अब्दुल हई अब्दुल राफे खोरो अब्दुल रहमान चन्ना अब्दुल्ला इंगोरो अब्दुल्ला जमाल अब्दुल्ला खान अबिया काशिफ अदीना मरवा अहमद सलीम आयशा अथर अली मोहम्मद अरशद अली अरशद अली कौन है अथर असर अशर खान आसिफ अली औरलिया ईमान फातमा फाइक फारूक हादिया हाफिज सैयद हमदान हसनैन खान इमामा सज्जाद कहाँ इमामा तो दूसरी लड़की थी आप इमामा इकरा साजिद वो तो सियार नहीं थी इमामा वो आप हैं अच्छा अच्छा वो हमारी फर्स्ट क्लास दूसरी इस्लामी स्टडीज में है इकरा साजिद फिजरा अंजुम मजहरुल हक मेहताब बेग मेहताब बेग कहाँ हैं मजहरुल हक कौन है मिर्ज़ा मोहम्मद हसनैन बेग मोहम्मद असद मोहम्मद अहमद रजा कौन है मैंने कहा टिक लगा अल्लाह के बंदे प्रेजेंट है ये ऑनलाइन क्लास में नहीं थे ना आप लोग तो लगेगी ना एब्सेंट बेटा अटेंडेंस होती है हर क्लास की अनस इमरान कहाँ है बेटा होते तो फिर यहाँ पर एब्सेंट नहीं होती ना मोहम्मद अरसलान अली अरसलान अली मोहम्मद असफर और काउंट कर लेना यहाँ की भी और जो आपकी पहले इससे सेप पर लग रही थी वो अगर चार होंगी तो आप फाइनल नहीं दे पाएंगे मोहम्मद अतीब मदनी मैं नहीं करूँगा इतने झम्बेलों में मैं नहीं पढ़ूँगा दो दो जगह जाके चेक करूँ आप खुद जिम्मेदार हैं फिर आप पेपर से नहीं बैठने देंगे एग्जामिनेशन वाले लास्ट डे तो मुझे ना कॉल करिएगा ना मेहरबानी आपकी मुझसे रब्ता करें आप अपनी जिम्मेदारी पे ऐसे होंगे मेरी जिम्मेदारी पे नहीं होंगे ये आपको अभी चेक करना चाहिए था मैंने आपको पहले ही मैसेज करा है कि आप सेम डे में चेक किया करें अगर आपकी चार हो गई तो आपको उसी वक्त मुझे बताना चाहिए था यह आपकी गलती होगी मेरी थोड़ी है अतीब मदनी मोहम्मद अतीब मोहम्मद फवाद फवाद हसनैन फवाद हसनैन है हसन फवाद हसन मोहम्मद हसाम हुसैन अली मोहम्मद कबीर मोहम्मद खलीलुल्लाह कहें उमर देसाई मोहम्मद कासिम मोहम्मद राहिम कहें मोहम्मद राफे मोहम्मद शहजाद नहीं है मोहम्मद शहजाद मोहम्मद शहरोज मोहम्मद ताहा 67032 मोहम्मद वक्कास मोहम्मद याहिया मोहम्मद ईसा कौन है मुस्तफ़ा अमान राहिम आलम कौन है राहिम आलम और मुस्तफ़ा अमान रैयान शहजाद रोहान जफर
भाई वो पेपर मैंने जो अटेंडेंस के दिया था इधर दो, वो लो उस पे नाम लिखो अपना। रयान शहजाद, रोहान जफर, सैफुल्लाह बेग, सफवान लखानी, अच्छा समरा शराफत अली, साइम फैसल नहीं है, ऑनलाइन तो क्लास का अटेंडेंस। साइम फैसल कौन है? रुक जाओ। सरोज तला, सरोज कौन है? सरदार उजैर, शाहिद सलीम, शहजाद अहमद खान, शाहजेब अहमद खान, शाहजेब कहाँ है? शान सलीम मर्चेंट, ये शाहजेब कौन है? शाहजेब भाई एब्सेंट के लिए हाथ उठा के मुझे क्यों बता रहे हो कि ये एब्सेंट है? अटेंडेंस लग रही है वहाँ। शाहिद सलीम, सुफियान अहमद, सैयद अनस जावेद, सैयदा जहरा फातमा, तनवीर अहमद, उसामा खान, वकास मलिक, जहरा जैदी। भाई लास्ट में लगाऊंगा ना, यही तरीका लिखा हुआ है ये इंस्ट्रक्शंस के अंदर, आपने पढ़ा नहीं है क्या? आपके ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आप पढ़े तो सही, पूरा सेमेस्टर गुजर गया अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं, हैरत की बात है यार। एक ही फजूल सवाल बार बार कर रहे हैं। अच्छा भाई रोज पढ़ लें, मोबाइल दूर कर दें अपना अपने आप से, बिल्कुल दूर कर दें, इसके बाद मैं कोई चांस नहीं दूंगा ना किसी को कहूंगा, उसकी डायरेक्ट यहाँ पर माइनस होते जाएंगे। अच्छा भाई कहाँ है दूसरा पेपर दो मुझे। अब्दुल्ला जमाल, अब्दुल्ला जमाल आ जाए, छेती छेती आए ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्लास के एंड में ही घर जाना है, जल्दी आओ, टाइम नहीं है भाई, क्या हो गया, जल्दी आओ, मैं अपने हिसाब से नंबर दूंगा, आप आए जल्दी आए, जल्दी करें। जो बात नहीं करेगा उसके मैं माइनस करूंगा नंबर, जल्दी आओ टाइम नहीं है। बैठ जाओ, तुम्हारा नाम नहीं है ना पेपर पे लिख रहे हैं। चलो भाई स्पेसिफिक वर्ड बताओ, इधर निशान लगाओ, अंडरलाइन करो, इस आयत में स्पेसिफिक वर्ड कौन से हैं? क्या समझने की इसमें क्या बात है, ये वो देखो पढ़ो वहाँ पे क्या लिखा है सवाल, स्पेसिफिक वर्ड, क्लास में हाजिर होके बैठा करो ना, क्या चल रहा है आगे पीछे, खामोश भाई, ये मैं आप तीनों के माइनस कर दूंगा, मैं आप बोलूंगा नहीं, अभी मैंने पॉइंट आउट कर दिया, आप जो भी खोल के देख रहे उसको बंद कर दें, कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है, जो इसमें मखसूस अल्फाज है उसको आपने अंडरलाइन करना है सिर्फ, हाँ आयत में से जो स्पेसिफिक वर्ड है वो मुझे अंडरलाइन करके बता दें, ये स्पेसिफिक वर्ड है बस, जिसको मैं बुला रहा हूँ वही करेगा। जितने भी हैं वो सब कर देंगे, सही करेंगे तो नंबर मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे, जल्दी लिखो जल्दी, आप वो बीच में से उठो आखिर वाले, उठो इधर आओ, हाँ इधर आओ कोने पे, जल्दी करो, तो किसकी लगी थी अटेंडेंस, चलो नाम जो बता, आप इधर आओ, आप इधर आगे बैठो, सही है लगा दिए जाए, मोहम्मद याहिया आ जाओ, मोहम्मद याहिया नाम किसने लिखा फिर इस पेपर पे, इसका क्यों लिखा मोहम्मद याहिया का नाम, बस ऐसे ही आप लोग उठा के नाम डाल देते हो, ये अब्दुल्ला जमाल ने लिखा है, तुमने तो नहीं लिखा,
पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपने तो नहीं लिखा। मोहम्मद खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह कौन है बताओ, कौन है उसके? खलीलुल्लाह का है, जल्दी आओ जल्दी। ये किसके लिए नाम है? वो पेपर है दूसरा, उस पर लिखो। दूसरा पेपर का है, दूसरा पेपर किसके पास है? गोरा, गोरा उसके पास है, वहाँ लिखे, बताएं स्पेसिफिक वर्ड कौन से हैं। भाई कॉपीज और मोबाइल कुछ भी नहीं खोले, सब बंद कर दें, ना नीचे रखें ना आगे पीछे रखें, कुछ भी खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, बंद कर दो जल्दी से, बंद करो, आप ही बंद कर दो। आ जाओ भाई मोहम्मद, ये खराफ है। इसके बाद अहमद सलीम, हाँ क्या कह रहे हैं समझा नहीं, दोनों की नहीं अभी पहले के जो मैं पूछ रहा हूँ। इधर से कोई बताएगा मैं माइनस करूँगा, जिसका मैंने हिलते हुए मुंह देख लिया ना। अहमद सलीम कौन है? जगह पे बैठो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं अभी, जगह पे बैठो, वहीं बैठ के होगा काम। अहमद सलीम आओ, वहीं बैठो, मैं वहीं लगवा लूँगा। अहमद सलीम बताओ स्पेसिफिक वर्ड, इसको बाकी को मिटा दो। खलीलुल्लाह कहाँ है? आप मोहम्मद रफी, अहमद सलीम, ठीक है। देखो ये पाकिस्तानी कौम है, जो एक ने गलत लगाया तो तीनों ने आकर सेम वही चीज़ लगाई है। ये वही हरकत है जो मैं एक दफ़ा मेन रोड से गुजर रहा था, आगे रश बहुत था, ट्रैफिक जाम था, मैं गली में मुड़ गया, 50 बाइक वाले आ गया, दीवार आ गई तो 50 बाइक वाले पीछे खड़े हुए थे। ये वही चल रहा है बस, वो उसने पहले ने गलत लगाए तीन पे, तीन तो इसमें स्पेसिफिक वर्ड है ही नहीं, वो सारे आके वही लगा रहे हैं कि ये तो अच्छा जवाब हमें मिल गया, और तीनों के नंबर नहीं मिले, तीनों को ही नंबर नहीं मिले, ये देखो कमाल की बात। चलो भाई आगे, मजहरुल हक आ जाओ भाई, मजहर भाई स्पेसिफिक वर्ड बताओ कौन से हैं। भाई आगे देख लो, क्लास के बाद बातें कर लेना दिल भर के, अगर दिल नहीं भर रहा तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, दोनों जाके करके आ जाओ गप शप, छम छम सब खेल खाल के, जब दिल भर जाए तो आ जाना। खामोश रहे सब, सबसे अच्छा एग्जाम यही है, इससे अच्छा प्योर एग्जाम कोई नहीं होगा, साफ सुथरा, तो सबको फेल करेगा तू, सबको फेल करने की ठानी है, जो पास भी हो रहे चैन लोग हैं। मोहम्मद अनस इमरान आ जाओ भाई, देख लेते हैं कौन कितने पानी में, उसने गलत लगाए थे ये मैं आपको बता दूं बस, आप अपने दिमाग से लगाएं जो आपको पता है, थोड़े से गलत लगाएं, थोड़े से सही हैं लेकिन अक्सर गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो एक ही ट्रैक पे चले हैं, एक के पीछे एक ने दुम पकड़ी हुई थी बस। मोहम्मद अनस इमरान ना, चलो नेक्स्ट आ जाओ। मोहम्मद असफर इसी पे लगाओ, सही लगाओ, इसने थोड़ा सा सही लगाया लेकिन मुकम्मल सही नहीं है। एक रह गई है बस, सही लगाए तुमने, हाँ
बिल्कुल सही लगा है, थोड़ा सा इसने बस इससे इसको ये अंदाज़ा हो गया कि सही स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से होते हैं, ऐसे पता लगना चाहिए आपको। ऐसे नहीं होगा तो एग्जाम में आपके गए 20 नंबर तो सीधे सीधे गए। अब चलो भाई नेक्स्ट कौन है यहाँ? मोहम्मद जवाद हसन अली। हसन अली क्या है? पेन ये उठाओ, आयत को गौर से पहले देखो, अब लगाओ, आगे करिए ना, तो मैंने ही तो किया आगे। हाँ ना, चेंज ही तो करूँगा क्योंकि उसने तो सही लगा दिया, आंसर पता चल गया, मतलब यूँ आगे चली गई। अच्छा उसने इस पर लगाए थे, ये होगी नेक्स्ट। ठीक है चलो, मोहम्मद असफर है ना? दूसरा पेपर दे दो मुझे, सही नहीं लगाए तुमने। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये सरदार उजैर। हाँ इसको पहले मिटा लो और फिर लगाओ इसी आयत पे। सब लिखेंगे इसमें अपना नाम, सबका टेस्ट होगा ना। भाई खामोश, सीधे बैठो, आगे देखो। बात नहीं, आ जाओ। शाहिद सलीम हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ करें जल्दी, एक मिनट है बस, उससे ज़्यादा नहीं। इनको करने दें पहले, उसके बाद। ठीक है बेटा, ले इसको। सरदार उजैर है आपका नाम। चले नीचे वाली आयत पे लगाए, हाँ क्योंकि उसने सही लगाए ना सरदार साहब ने। बस ये शाहिद सलीम नाम है, हो गया। और है हाँ हाँ, देखो देखो, ये तुमने गलत लगाया, अब जो लगाए ना वो गलत है, पहले बस सही था। लग रहा है क्या? वो साथ तो है लेकिन वो स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। नेक्स्ट आओ भाई, ये आसिफ अली, इसको रब कर लो और कीबोर्ड से नीचे वाला एरो दबा दो। हाँ अब लगाओ आप, आसिफ अली। भाई ये दूसरा पेपर मुझे दो, जो इसमें नाम लिखे हैं किसके पास है? बस यही है, और भी है। शान सलीम मर्चेंट, इसको मिटाओ, सही करो भाई। क्या हुआ, बगैर पूछे कोई जाएगा उसका भी मैं एक माइनस करूंगा। नहीं नहीं बाहर जाने की बात कर रहा हूँ, बोर्ड पे जाने की बात नहीं कर रहा। हाथ भी पहुंचेगा, इसकी किक भी पहुंच जाएगी।
लिखा नाम इधर, एक एक दो लाइनें छोड़ के लिख दो। इधर दो तीन लाइनें छोड़ के अपना नाम लिख दो बस। वाह भाई वाह। हो गया सबका? खामोश हो जाओ। हो गया? डाउट है तो सही करो डाउट को अपने, बस पीछे नहीं देखो आगे देखो। तो फिर बचा क्या पीछे? तो सभी ठीक है, लेकिन उसमें हमने ये पूछा है कि जो हमने आपको बताई थी वो बताएं। अलग ही बात है, ऐसी तो याद होंगी, अपनी मर्जी से थोड़ी याद होंगी। टाइम ओवर हो गया, माइनस होंगे तुम्हारे नंबर। चलो अरशद अली, अरशद अली आ जाओ, इसी को मिटाओ सही करो। ये काम तो मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब कर सकते हैं, पॉइंट आउट क्यों नहीं कर सकते, सब स्पेसिफिक वर्ड बता सकते हैं। मोबाइल कॉपी कॉपीज मोबाइल सब बंद कर दो भाई, आप भी खोल के बैठे हैं, बंद करें, सब बंद कर दें। बस ये पता नहीं शायद, आगे आ जाओ भाई। मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम जाओ, इसी को सही करो, इन्होंने गलत किया, पूरा सही नहीं है, वो मैं बता दूंगा, पूरा सही नहीं हुआ। हाँ आधा सही कर रहे हैं तो आधे नंबर होंगे। बचा क्या पीछे? सब कुछ तुमने निशान लगा दिया था। राहिम अलवी जल्दी जाओ, इसके नीचे वाली आयत जो है। राहिम अलवी के बाद है खिजरा अंजुम। जाओ भाई खिजरा अंजुम, इसी नीचे वाली आयत को या जलद नाम नहीं जा को पासिक को, इसको सही करो। आ जाओ अबिया काशिफ, आगे नेक्स्ट कर लो, अगली आयत का बताओ जिसने सही लगाए।
एक तुमने दो छोड़ दिए, बल्कि दो और है इसमें, एक तो गलत लगाया। खैर अभी यह काशिप है ना, ये जाओ इमामा सज्जाद। इसको मिटा के दोबारा सही से लगाओ, ये तो सही है ना? नहीं, इसमें गलत भी है। इसके बाद आयशा अथर, जल्दी आओ। जाए आयशा अथर, इसी को मिटा के सही करें। तो सही करें, अभी तक सही नहीं लगाए सबने। जब तक सही नहीं होंगे तो हम आगे नहीं जाते। फिर इसको मिटाओ ना, पहले तुम अपने दिमाग से करो, गलत कर रही हो। सी आर ओ नाक नहीं कटवाना, मत हाथ पैर कान सब कटवा देना, नाक ना कटे बस, नाक ही का तो मसला सारा। हाँ सीधे बैठो, बातें नहीं, खामोश हो जाओ। उठ जाओ यहाँ से, उठो, तमाशे कर रहे थे, उठो उधर जाके बैठ, तुम्हें नहीं बोल रहा। ओ भाई साहब बैठ जाओ, आप उधर जाओ, जल्दी उठ के जाओ। बेचारी ऐसे फंस गए जैसे पता नहीं कहाँ, इसको क्या हो गया भाई। कौन है ये आयशा अथर, क्या हो गया, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था। सैयदा जहरा फातिमा आ जाओ, इन्होंने भी पूरा सही नहीं करा, इसको सही करना जाएंगे। इनके बाद कोई और है? दो नंबर बाद मेरा, फिर मोहम्मद ईसा इसके बाद आ जाए। इसके बाद मोहम्मद ईसा, वो है सईदा जहरा फातिमा, फिर मोहम्मद ईसा। आ जाओ भाई, इसके बाद सईद ज़हरा है ना, सईद ज़हरा फातिमा आप है, मोहम्मद ईसा। इसी को सही करो मिटा के, ओ भाई मोबाइल बंद करो, क्या हो गया यार, क्या नाम है इनका, क्या नाम है आपका, नाम क्या है? मैं माइनस करूंगा इधर आपके नंबर, कहाँ लगाए तुमने फिर खुलोबे को अमीना लावड़ी लाने, तुम उलाई का उमर राशिदुन, ये तीनों लगाए, तीसरा कौन सा तुमने नहीं लगाया, उलाई का उमर राशिदुन वाला
अच्छा ये नहीं लगाया, वही जो इम्पोर्टेंट था वही तुमने हटा दिया, जो स्पेसिफिक था वही हटा दिया, बाकी तुमने सब लगा दिए। वाह भाई वाह, जो सही था वो हटाने गए थी मेहनत करके। मोहम्मद राहिम सही करो इसको भाई, कहाँ है राहिम? इसके बाद मेरा नाम है मोहम्मद राहिम, राहिम सही करो इसको, मिटाओ नहीं कस्टर उठाओ, ये बना हुआ है। अभी देखते तुम कितने पानी में हो, उस कराटे तो ऐसे हो रही थी यहाँ। एक सही लगा दिया तुमने, वाह भाई वाह, ये सही है। इसमें चार है, आज अब बस माइनस हो ही गया तुम्हारा, जल्दी करो, ये है ही नहीं, आ जाओ बस, आते ही नहीं है तुम्हें, ऐसे तुक्के मार रहे हो तो यही होगा, हवा में तीर चलाते हो। और एलिया चाहे इसको सही करें, किसी ने भी सही नहीं करा अभी तक पूरा। हाँ हाँ, अरे पहले अरे को मिटाओ तो सही, मिटा के फिर सही करो, जल्दी आ जाओ बेटा फौरन। और भी हैं, आ जाओ इतना ही है तो। समरा अली बात है नहीं, आएंगे ना आगे, और है काफी नाम है सर, मेरा नाम गया था, मैंने नीचे लिखा था ना आपका नाम सर, मेरा कौन गया यहाँ तो, मेरा भाई कोई मर्द कैलेंडर नहीं है, किसको आता ही है सर, मुझे आता है, जाओ करो मिटा के, इनको सही बताओ क्या है, कोई भी सही नहीं कर रहा सर, पास हो गए ना पूरे, पास हो नहीं कटेंगे, नहीं नहीं आपके नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों कटेंगे फिर, मैं जब कह रहा हूँ तो। मोहम्मद ताहा कौन है, आ जाओ मोहम्मद ताहा, मोहम्मद ताहा किधर है, सामने आगे आगे बैठा, नीचे वाली आयत का करना है आपने, आप अभी तुमने एक गलत लगाए, एक चीज छोड़ दी है, नहीं ये सही है, नहीं ये तो सही था, इसको तो मिटाओ वहां तक, इसको बाकी मिटाओ, ये मिटेगा पूरा, हाँ ये, और ये उलाई का उमर राशिदुन नहीं है, इसको मिटा दो, और मिनल अमरी ये भी नहीं है, मिनल अमरी नहीं है, लानितुम है, लानितुम तो है, मिनल अमरी नहीं है ना, अरे यार बस बस, ये है इसके सही स्पेसिफिक वर्ड, आ जाओ भाई राहिम, इसके नीचे अब यहाँ गया है, तो तुमने डबल नाम लिखा है क्या, किसने लिखा, मोहम्मद ताहा कौन है सर, ये वो है ना मोहम्मद ताहा, सफवान लखानी, सफवान जाए जाए जल्दी जाए जाए ना लगाने जो है तो सर, अब नेक्स्ट कर नहीं है ना, अगर इसके सही नहीं कर मिटा दे पहले फिर लगाए, सोच लो पहले, सोचो अच्छी तरह, आपके पास आधा एक मिनट होता है, ये मोबाइल नहीं क्या क्या है आपके हाथ में, दिखाए ऊपर करें, ऊपर करें हाथ, तो ये मोबाइल है तो आपके हाथ में हो गया, अभी भी बाकी है इसमें, किसको सही पता है इसका,
किसको सही आता ही है ये अहमद का बैग कहाँ है? अहमद कहाँ बैठा हुआ था? उसका बैग रखा हुआ है, वो दे रहा बैग जरा ले ले। बेटा ये निशान लगाने में तो कोई मसला नहीं ना, निशान तो आप लगा सकते हैं। अगर आपने जरा सा भी गौर करा क्लास में या वैसे भी आपने देखा है तो आप स्पेसिफिक वर्ड बड़े आसानी से बता सकते हैं, कोई छप्पे की बात नहीं है, बहुत आसान है। ये स्पेसिफिक वर्ड है। आ जाए भाई आगे। समरा अली कौन है? समरा अली समरा चली गई। ऑलिविया अलेक्जेंडर हाँ गई। आप और आ जाओ ना। इसके नीचे वाली आए थे स्पेसिफिक वर्ड बताएं जल्दी से। आप आए हैं ना और मौके हैं ना मेहमान चलो। हाँ बस सज्जाद आ जाए ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? वो मोबाइल देख रहे हैं आप? हो गया वही रख दो मार्कर। इमामत सज्जाद है ना? खिजरा अंजुम आ जाओ। खिजरा कहाँ है? है इसी में। बाकी है कोई जगह? वो लगाओ निशान कौन सा बाकी है। मार्कर वही रखा हुआ है। अबिया काशिर देखो गौर से कहां लगा रही है। हो गया। आपका क्या नाम है? इकरा। खिजरा ठीक है। देखो इन्होंने कहां गई इसके बाद जो इन्होंने नाम लिया था अबिया काशिर नहीं है। अभी आए ना क्या? क्यों नहीं आ रही? आपने देखा इन्होंने दो जगह गलत लगाए, एक जगह इन्होंने छोड़ दिया है, उसको सही करें जरा। दो जगह गलत लगाए उसको मिटाएं, एक जगह सही और बढ़ाना है वो सही करें। हम मार कर वही रखा हुआ है। Amen.
तभी मैं कहता रहा था आप गौर से देखें, पहली लाइन में सबसे लास्ट में उन्होंने लगाए हैं, जिसको देखें कि ये सही लगा हुआ है गलत लगा हुआ है, हाँ मिटा दें गलत है तो। दूसरी लाइन में इन्होंने छोड़ दिए जगह, स्टार्ट में इन्होंने लगाया है लेकिन थोड़ा सा गलत लगाया और एक जगह छोड़ी है, वो सही करें। टेस्ट होगा 10 नंबर हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप, मोबाइल यूज कर रहे हैं तो क्यों मना किया है ना मैंने, भले जो भी कर रहे हैं जब मैंने मना कर दिया तो बिल्कुल मोबाइल अपने से दूर रख दें बंद करके। और एक जगह रह गई है ना कोई, वो तो लगाए, एक जगह रहती है वो जल्दी से देखें क्या है दूसरी लाइन में। अभी भी आपने कंप्लीट नहीं करा इसको, चले अभी यह काशिफ नाम है ना। अच्छा भाई आयशा अथर, इसमें पता है कंप्लीट कर सकती है इसको। सेकंड लाइन में इन्होंने एक चीज छोड़ दी है, कौन सी चीज है वो, मार कर लिया था। असा के नीचे नीदा बस वाला निशा उम्मीद निशा इन तक है, पीछे से मिलाओ ना वाला निशा उम्मीद निशा इन, हाँ यहाँ तक है बस। चलो आ जाओ भाई अरशद अली, खामोश हो जाओ, इसको मिटा लो यहाँ पे करो, नेक्स्ट आए तो ये तो फिर वहां कैसे चले गए, उठो वहां से जरा उठो, खड़े हो जल्दी खड़े हो, इधर आके बैठो यहाँ आ जाओ, इधर फर्स्ट रो में बैठ जाओ जगह पे, सीधी बैठो, इसको बोलो सीधी बैठो, बगैर पूछे जाएंगे माइनस करूंगा मैं। सही लग गए, चलो भाई मोहम्मद कासिम आओ जल्दी जल्दी, इसको सही करो, डस्टर भी ले लो, क्लस्टर क्लस्टर पांच उसको मिलेंगे जिसको कुछ आता भी हो, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो उसको क्या करते हैं, मेरी एक बात भी उसको, क्या नाम है इनका, फवाद, फवाद भाई क्या करते हैं, नहीं मैंने बोला, मैंने जब हर चीज़ मना करिए फिर कैसे आपने बोला, दिल हो जाए कि आप माइनस कराएं अपने नंबर, जो भी हो मेरा उससे ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक इससे है कि मैंने जो ऑर्डर दिया आपने वो नहीं माना। कहाँ चल रही है उसका नाम,
हो गया कोई नहीं तंग करेगा किसी को अभी बिल्कुल खामोश करना होता है इधर सुनना सुना हो गया मेरा काम करना है सुनना सुना चले भाई आगे आ जाए राही मलवी सही करो इसको हमारे घर के पास है दो मदरसे सर पेपर दिखाइएगा हो गया अच्छा इसके आगे है सैयदा ज़हरा फातिमा जल्दी आ जाओ सही नहीं बताया इसको मिटाओ और यहाँ पे सही करो दोबारा बुला सेकंड शिफ्ट चल रही है यार आपका नाम क्या था जो अभी गए राहिल ना ज़हरा फातिमा है ना आप नहीं जब तक का बच्चा वो दूसरे उसके नाम पे चला गया राहिल तो वो ये भूल गया कंफर्म करके नंबर देने ना बस चले भाई आगे आ जाए आगे है मोहम्मद ईसा जल्दी आ जाओ इसको मिटाओ यहाँ से आप सही लगाओ सवाल हुआ आपसे अगर हुआ है तो लिखा हुआ राहिल के बाद है ईसा मोहम्मद ईसा मोहम्मद राहिम आप हैं मोहम्मद राहिम का है आ जाओ सर थोड़ी रहम आ जाओ हाँ जाओ जाओ इसी को सही करो मिटा के सही करो मैं पैटर्न समझा रहा हूँ कि देखो ऐसे आपके पेपर में होता है साथ साथ भाई ईसा भाई मोबाइल खोल लो ये आपने मोबाइल ही तो खोल के देख रहे हो और क्या कर रहे हो हाँ सी आर ये क्या कर रहा है वो पकड़ के ही तो वो कर रहे हैं उसको पकड़ के ही चलाते हो जाहिर है मोबाइल को वो तो तुमने बटन दबा के बंद कर दिया ना उसको बटन दबा के तुमने बंद किया जैसे उसने देखा है तो अब बड़ा बताओ तुम ऐसे लगे हुए उसके साथ बड़ा भाई वो बेचारे को पढ़ाई तो नहीं रहने दे रहे तो आगे है भाई ये मोहम्मद ताहा जल्दी आ जाओ राहिल कौन था आपसे सफवान लखानी सफवान लखानी जल्दी जल्दी मालिक है लखानी ग्रुप
अभी तक सही नहीं करा सर, मार्क से बता दें फाइनल के साथ मार्क्स आपको अनाउंस हो जाएगा। सर एक अटेम्प्ट और लेंगे। हाँ आएगा अब तो तुम्हें पता चल जाएगा। सर वो एक बार ही कैसे मैंने पास किया जल्दी आ जाओ नीचे वाली आयत करो आप कहते ऊपर नीचे वाली आयत डायरेक्ट फाइन फैसल कौन है
और सलाद नीरज आप है आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ बस हो गया जरा मिटा के सही करो इसको आ जाओ भाई नीरज भाई माइनस किया तो मैं कैसे करता ये बात कर दिया था कौन सा बात करने में बताया था आपने नहीं बताया था पक्का पहले कुछ नहीं बताया था कैसे आज ही क्या नाम है चलो बता तुझे जल्दी पूछ रहे थे बताएगा तो उसके भी माइनस होंगे और इधर ही को तवज्जो होके देखो ये पेपर की चीज है सारी उसी की तैयारी है जल्दी करो ना यार उनको छोड़ो उनको थोड़ी कुछ पता है जरूर बोला सर माइनस कर मुस्तफा अमान जल्दी आओ इजाद अब्दुल रहमान करो एक नंबर तो ले ले कोई सही करो सर आप नहीं आएंगे तो आ जाओ अब्दुल रहमान मैंने दूसरे ऑप्शन में सबको हेट दी है तो इसको भी दे दी के है सर मेरे को नहीं किया आपने मोहम्मद बकास है राय बकास चलो भाई आओ और इसको सही करेंगे आज है मोहम्मद कबीर आप मोहम्मद वकास है ना मोहम्मद कबीर आओ जल्दी सही करो मोहम्मद हुसैन ये तो सर चौधरी होती सर सास भी छोटी चौधरी है सास भी छोटी चौधरी फिरा देगी सर आज फिर अभी हम क्लास के बाद क्लास के बाद ये हार भी हार से पहले की होगा सर आप फिर हमें खिला दें
इसे कैसा कर ले अभी भी वो भेज दिया एक साल दे गया थे मुझे उन्होंने दावत की थी ना लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उनको पीछे लगा पैसे दे लिए नहीं लेकिन मैं पूरा इरादा था कि मैं बगैर पैसों के नहीं खाऊँगा ये सही था गैस स्पेसिफिक वर्ड हमें जाके इसने भी सही किया था। अब देखो भाई फॉर्मूला समझ लो फॉर्मूला क्या है आसान है देखो जहाँ जहाँ आपके पास ये ला का वर्ड आ रहा है ये लाजमी स्पेसिफिक वर्ड होगा ये जहाँ जहाँ आ रहा है तो इसको तो वैसे अंडरलाइन कर दो क्योंकि ये क्या होता है खास है सब आयात के अंदर पहला फॉर्मूला स्पेसिफिक वर्ड को याद रखने का जहाँ जहाँ भी ला का वर्ड आएगा ये लाजमी स्पेसिफिक वर्ड होंगे ला से शुरू होगा ये नहीं होगा यहाँ से शुरू होगा यहाँ से ठीक है ला का जरूर मैंने लगा दिया। अब सेकंड जो स्पेसिफिक वर्ड होगा वो फिर उसके अलावा भी मुमकिन है जैसे कजारी बाजी को लिबाजिन और फिर ये अंतहबत आमालू को ये है ठीक है ना अंतों ला का शुरू भी कर सकते हैं लेकिन वो है नहीं ठीक है ये इस तरह से इस तरह ये ला है ला वाले तो मैंने फॉर्मूला आपको समझा दिया ना अब आप खुद लगा सकते हैं तो ला वाले को आप ध्यान में रखें ला के साथ जो वर्ड जुड़ा हुआ है उस पे लगेगा पूरा ला समेत। हाँ रिपीट कर दीजिए सर मेरे फॉर्मूला बता तो दिया क्लास में बता चुका हूँ पहले ही और जितने भी ये ला से शुरू हो रहे हैं वर्ड ये स्पेसिफिक होते हैं समझ गए। आगे देखो आगे जो है जैसे ये वर्ड है हाँ तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि ला वाले तो तमाम हो गए ना वो आपको समझ आ गया मंजूरा कुछ उसके अलावा भी होंगे वो तो मैं फिर कुछ तो याद रखने है ना कि सबरु हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम आप खुद भी तो कुछ याद रखो उसके अलावा भी फिर इसी तरह और किसी ऐसे कोई ऐसा वर्ड है ना मैं बता देता हूँ वो तो है ठीक है ये मुकम्मल था ये वाला ये पूरा था ये तीनों है तीनों स्पेसिफिक पढ़ रही है इसके अंदर। अच्छा आगे देखो तो उक्तदु फासे हो बचाऊंगा फैम बगत एहदा हुआ अला लुखरा ये स्पेसिफिक वर्ड है ये है ये स्पेसिफिक वर्ड है इस तरह से आपको फिर वो खास वर्ड है वो तो याद रखने थे पास जो महीना का वही को ये स्पेसिफिक वर्ड है समझ गए। अच्छा इसी तरह यहाँ पे भी तीन तो ला के वर्ड आपको मिल जाएंगे वो तीन स्पेसिफिक है उसके बाद फिर आपको याद रखने पड़ेंगे इस तरह करते हैं ला यस्तर ला निसाओ मिन निसा ला तलविजो ला तना बसु मिन अलकाब ये भी फिर मैंने बताया था रिसुन रिसुन बादल ईमान वमन लम यतुब फिर ये तुम्हें याद रखने बाकी इस तरीके से। अच्छा भाई अब देखो जिनके मैं नेम ले रहा हूँ सिर्फ वो मुझे आंसर देते रहे शाह सलीम मर्चेंट या ये नदी आमनु ला तुकद्दिमु ठीक है ये आयत है फर्स्ट वर्स नंबर वन है इसके अंदर व्हाट इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ ला तुकद्दिमु
फर्स्ट मीनिंग, ये तो जनरल मीनिंग है, दे नॉट ओवर एक्सीड जब गो फॉरवर्ड, लेकिन फर्स्ट मीनिंग इसकी अलग है, डिफरेंट है वो। यही तो चीज आपने समझी होती है पेपर के अंदर। सेकेंड मीनिंग बता दो, अब तुम कहो के फर्स्ट नहीं बता के सेकेंड नहीं बता। खामोश। हाँ भाई, आगे ना बढ़ो तो लिखा हुआ है ना, नॉट गो टू ओवर एक्सीड या जो भी है, एक्सीड नॉट ओवर, वो तो लिखा हुआ है। मैं तो उस चीज की बात कर रहा हूँ जब मैंने आपको ओरली लिखवाई थी, ओरली एग्जाम है, जब मैंने आपको ओरली नोट करवाया, सब कुछ हुआ। आपसे बली कौन है बता? अल्लाह उसके रसूल से फिजिकली तौर पर ही आगे ना बढ़ा जाए, ठीक है, ये इसका मतलब है। देखो इसने क्यों बताया, शाहिद सलीम। हाँ भाई, शाहिद सलीम भाई, सेकंड मीनिंग क्या है? ला तुकद्दिमु नेवर टू एक्सीड ओवर अल्लाह एंड रसूल। हाँ देखो, बता रहे हैं स्टूडेंट्स आते हैं तो बोल रहे कि अल्लाह उसके रसूल के अहकाम और सुन्नत से आगे नहीं बढ़ो, इस तरह बताने, ये है असल चीज। आसिफ नाम है ना, आसिफ आप हो गए, शाहिद सलीम, मोहम्मद जवाद हसन हसन अली बर्बाद है, चले गया बस, तो ए आ गया, यही तो कमाल है। बरदार उदैर, ये सवाल पे इसका जीरो हो गया, बरदार उदैर भाई। अब देखो यहाँ पे कहा है कि नॉट ओवर एक्सीड अल्लाह एंड मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, जिस जमाने में ये आयत नाजिल हुई ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे फिजिकली, तो उस वक्त के एतबार से, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में चले जाए, तो उस वक्त के एतबार से किन चीजों से अल्लाह ने कहा था कि मेरे रसूल से आगे नहीं बढ़ो, वो बातें बताए। हाँ क्या क्या ऐसी दो तीन चीजें बता दें। जो सीधा मकसद है वो डिफाइन करो, बाकी प्रकाशित करो, रुक जाए। वो काम बताए ना भाई जिनसे आगे बढ़ने से मना किया, कि इस काम में आगे नहीं बढ़ना। हाँ किसने बताया था उसको दूंगा ना। आपका नाम क्या है? राफे भाई, माइनस वन, क्योंकि मना किया था मोहम्मद राफे ना, हंसते रहो मुस्कराते रहो, अपने माइनस ना करो। बताओ ना, सोचो कौन सा कोई एग्जाम्पल देना, वैसे ही जनरली जम्मू जम्मू तो जनरली देते हैं, जनरली जम्मू तो जैसे हम कहते हैं कि नमाज जो है उसको वैसे ही पढ़नी चाहिए, उसमें बिदत नहीं करनी, अजान जो है अच्छी उठाई सर। आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बता दिया उससे आगे नहीं बढ़ो, वो बिदत है, वो तो अभी बिदत बनी ना। आप बात कर रहे हैं उस वक्त की जब आप सहाबा में नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है। अभी जो भी ये कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो अच्छा काम है, लेकिन अभी ये नहीं करना था। सही तो मेरा बात था, माइनस जरूर मैंने आप नहीं बताए, वो तो आप बता दिए ना बात। अरे तो उनके माइनस कर रहा मैं। अच्छा भाई आगे, शाही सलीम सरदार हो ना, सरदार उदय, मोहम्मद अजफर,
सर। कहा है अस्वस्थ? हाँ भाई बताओ ये क्या है? जो मैंने इनसे सवाल किए थे कि वो कौन से काम थे जिनसे आगे बढ़ने से रोका, मैंने अभी नहीं करा, मैंने छोड़ दिया। मैंने जो क्या रुक गए थे जरा खामोश हो गए, समझ गए अभी नहीं आपका नंबर मिले। हराम खाने का आगे बढ़ने से मना किया, मतलब जितना एक बंदा खा रहा उतना खा रहा, इतने समझदार है आपको समझ, सवाल समझ नहीं आया क्या? भाई क्वेश्चन ये है, ला तुकद्दिमु बैन यदय्यिल्लाहि व रसूलिहिल्लाह, उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ो, इसके दो मतलब है। पहला मतलब ये है कि अल्लाह उसके रसूल के फिजिकली अपीयरेंस में जाहिरी तौर पे वो आपके सामने मौजूद है, आप आगे ना बढ़े। सेकंड मीनिंग है कि उनके अल्लाह के हुक्मों और नजर नाम की सुन्नतों से आगे नहीं बढ़ा जाए। तो अब हम सवाल ये कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा को नबी रहमान से आगे ना बढ़ने किन चीज़ों में कहा गया, ये सवाल है। अभी इनसे सवाल है, कोई नहीं बताएगा, जो बताएगा उसके नंबर माइनस हो गए। मोहम्मद अनस इमरान, हाँ भाई बातचीत करने में आगे नहीं बढ़ो, मतलब किस तरह से जनरल लोग आगे चल जाए। वो तो आगे बढ़ना नहीं, वो तो अमल दमल करना हुआ ना, इंस्ट्रक्शन करना हुआ, वो तो नॉट टू गो फॉरवर्ड या ओवर, वो ये नहीं हुआ ना, वो तो या आगे बढ़ रहे साहबा, वो तो इंटरप्ट कर रहे हैं आपको, दरमियान में कलाम के बीच में बात कर रहे हैं, वो तो ये हुआ, ये तो आप समझे नहीं इस बात को। अनस इमरान आप है, मजहरुल हक कौन है? मजहरुल हक कौन है? हाँ भाई बोलो। रात मुकदम जो मैंने सवाल किया, किस चीज में आगे ना बढ़ने का हुक्म दिया, जल्दी टाइम कम है, एक मिनट। कोई और नबी आपसे आगे ना बढ़े, सारे नबी तो पहले आए, आप तो आखिर में आए, तो सब आगे बढ़ गए आपसे, तो अगर बनना तो पहले नबी अलैहिस्सलाम को आना चाहिए था, तो आगे पीछे आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फजूल बात है कि आप देर से क्यों आए, आप जल्दी क्यों आए, इससे भी कुछ नहीं होता, और देर से आने से कोई फजीलत भी कम नहीं होती, फजीलत सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की है, हालांकि आखिर में आए, अल्लाह ने कानून तोड़ के दिखाया कि देखो ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा भाई इसके बाद आप नजर रखें, अहमद सलीम ये ए रख दिया। अच्छा मोहम्मद राफे, हाँ भाई शादी से आगे ना बढ़ने का क्या मतलब है यार? मोहम्मद खलीलुल्लाह, देखो एक ही लाइन में सारे मस्ताने बैठे हैं। मोहम्मद याया नहीं आया था, अब्दुल्ला जमाल, हाँ भाई क्या आंसर है? हाँ बोल, ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे, इसकी तो आयत आगे आ रही है, ये आगे बढ़ना कैसे हुआ, ये तो कोई एग्जांपल नहीं, ये तो बदतमीजी हुई ना, बैड कैरेक्टर हुआ कि उस्ताद के सामने आप जोर से चिल्ला के वालदे के सामने बात करें, ये तो बुरा किरदार हुआ, ये आगे बढ़ना थोड़ी हुआ, आप उनको एक्सीड थोड़ी कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने आप, नहीं ये तभी तो माइनस तेजी से कर रहा हूँ आराम से निकल रहे सब। अब सलाम नीरज, हाँ भाई आवाज, आवाज माइनस कर दूंगा मैं। सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जमाने में मौजूद है, तो अल्लाह ने किस चीज में रसूल से आगे ना बढ़ने का हुक्म दिया, कि किस चीज में सहाबा इनसे आगे ना बढ़े, फैसला करने में, मतलब पहले रसूल को फैसला करने दें फिर खुद करेंगे, क्या कर रहे हैं मोबाइल है कुछ नहीं है आप नीचे था। मुस्तफा अमान,
एक मिनट, मुस्तफा बात क्या है? मुस्तफा, हाँ भाई, नहीं पता, बताओ जल्दी। वो तो मुखालफत हुई ना, वो तो एंटी एक्शन हुआ के उसने उलट फैसला किया। आगे ना बढ़ना, ये नहीं हो सकता ना। आप मुझे प्रॉपर आंसर बताएं, क्या इसका मीनिंग क्या है, इसके मतलब क्या है, ताकि आप पेपर में बता सके। नहीं, जल्दी बोले। आपका क्या अब्दुल रहमान नाम है? अब्दुल रहमान, इसको तो पता है। मोहम्मद भट्ट, चलो बताओ, आप सोचा नहीं, इसकी किस्मत अच्छी, उसका नाम आ गया। वो तो मुखालफत हुई ना, एंटी एक्शन हुआ वो, ये आगे बढ़ना थोड़ी हुआ। एक क्लास में फर्स्ट में समझाया। मोहम्मद वकास, हाँ भाई, नहीं बता। मोहम्मद जली, वो तो मुखालफत हुई ना कि उसके फैसले को नहीं मान रहे, नेगेटिव जा रहे, आगे बढ़ना नहीं हुआ। ये मोहम्मद कभी ना, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन का है वो भी आगे बढ़ने लिया। वो तो एडिशन करना हुआ कि इस्लामी एडिशन कर रहे थे, एडिशन कर दिया अपनी मर्जी से, वो तो बिदत हो गए। मैंने कितना स्पेसिफाइड वर्ड बताए थे इसके मुताबिक, लेकिन कोई भी नहीं बता रहा। बकास वाले, हाँ जी, हाँ, नमाज के आगे नहीं बढ़ो, जैसे इमाम है तो उसके आगे नहीं बढ़ो। और भी तो मतलब है, सिर्फ ये थोड़ी है, और क्या है? हाँ, कौन बता रहा है? पहले माइनस कराए और माइनस कराए, हाँ भाई। और कोई इससे अच्छी एग्जांपल दो, ये तो बहुत छोटी आपने ऐसे दी है, जो मैंने वैसे बातों में दूसरी जगह बताई थी, लेकिन स्पेसिफिक इस जगह जो मैंने बताई थी वो अभी तक किसी ने नहीं बताई। नहीं पता, चलो भाई। अब्दुल्ला जमाल कौन है? अब्दुल्ला जमाल नहीं है, आप कभी पूछा था मैंने? तीसरा अजयूत, हाँ भाई बता। नहीं पता। अबिया काशिफ, उनके आगे नहीं चल रहा, ये था। जब वो अगर रास्ते में चल रहे हैं तो लात ऊपर के, वो उनसे आगे नहीं चल रहा। नहीं बोला, पहले जवाब दे दूंगी उसका। तो कौन? आपने दिया था, मैंने आपसे पूछा था। बोला था।
था, मैंने उनसे सवाल ही नहीं किया। क्या नाम है अभी आकाशित ना भाई? मैंने इसकी यहाँ पर तीन एग्जांपल दी थी, तीनों में से एक भी बताते तो हो जाता। रास्ते में चलते हुए उनसे आगे ना बढ़ो, मजलिस में बैठते हुए उनसे आगे ना बढ़ो, मजलिस में खड़े होते हुए उनसे आगे ना बढ़ो। मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर रास्ते में चल रहे दरवाजा खोल रहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बंद है अदरवाइज नहीं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद एग्जाम्पल है। अब हमारे जमाने में मौजूद एग्जाम्पल वही है कि हुकुम से आगे बढ़ के अपनी तरफ से बता दो वो बिदत है, वो भी आगे बढ़ना है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके जमाने में जो एग्जाम्पल थी वो बताए। ये इतना स्पेसिफाई मजाक करना असल मकसद यही है कि आपको पेपर समझ में आ जाए, वरना ये पेपर ऐसा बने अल्हम्दुलिल्लाह इधर कोई एचओडी नहीं है जो उसको जो है ना अप्रूव कर दे। वो फिर मेरे को बुला के उन्होंने समझाए, वो आप लोग अब क्या पेपर समझेंगे, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही समझ रहे मैं क्या करूँ। अच्छा भाई अब आगे। अच्छा दादी क्या हो गया? जो जाओ हो गया तो जाओ। अल्लाह से भी आगे बढ़ने का है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो अल्लाह के आमने सामने थे और अल्लाह उनसे सामने जो है मुलाकात कर रहे, तो वो भी है कि इस मौके पे भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से किसी मामले में आगे नहीं गए। ये दोनों आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, कार्ड से खेल रहे हो, तो मोबाइल से खेल रहे हो, समझ गए? इसी तरह जन्नत में जब आप होंगे तब भी हम अल्लाह से आगे किसी मामले में नहीं बढ़ सकते। और अल्लाह अगर जाहिर तौर पे मैंने एग्जांपल भी दी थी कि दुनिया में भी हमारे सामने आ जाए ना, अल्लाह अगर हमें इतनी बसीरत और ताकत दे दे कि हम अल्लाह को देख सकें बर्दाश्त कर सकें तब भी हम अल्लाह से आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह का पहले ही ये हुक्म है, किसी भी मामले में अल्लाह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहरा अरशद अली कौन है? अरशद अली भाई इसमें एक एग्जाम्पल है शायद, मैं कौन सी है बताओ, तो लोगों को पता चले ना कुरान ऐसे कोई मजाक नहीं है, सूरह हुजरात है, खजाना है ये। क्या आपको पता है? अभी पूछता हूँ। एग्जाम्पल बताओ, स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल मिसाल दी है क्या पर? मिसाल क्या दी है? मोहम्मद कासिम बताओ भाई एग्जाम्पल क्या है इसमें? एग्जाम्पल जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं एक्सेट्रा मिसाल के तौर पर, तो वो इसमें आयत में है। क्या है बताओ? दानी मलवी क्या है? दानी मलवी बताए हो गया तो जाओ, मैंने किसी को नहीं रोका भाई, उठ के चले जाओ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ खिजरा अंजुम का है बोलो। जैसे आपस में जिस तरह से बात करते हो ये एग्जाम्पल दी गई। असल एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं पूछ रहा। हदिया काशे किस वर्ड में दी एग्जाम्पल? यहाँ पढ़ के बताओ अरबी में कौन सा वर्ड है जो इसको स्पेसिफाई कर रहा है? न
नहीं पता इमामा सज्जाद पता है तो बताओ आयशा अतर क्यों नहीं देख रहा यादीन आमनु लातरफ अस्वातको फौक सऊत नबी वला तजहरु लहू बिलकौल का जहरी बाजिकुम लिबाज़िन अंतहबत अमलुकुम वअंतुम ला तशुरून हाँ लहू बिलकौली से बिलकौल से खिजरा अंजुम वो आयशा सॉरी सईदा जहरा फातिमा बताओ मोहम्मद ईसा बताओ कहाँ से ला तरफ उसे ला तरफ उसे शुरू हो रहे नहीं जो एग्जाम्पल की बात उन्होंने बताई है कि जिस तरह तुम आपस में बातचीत करते हो वो वर्ड ही कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो वाली एग्जाम्पल की अरबिक कहाँ है मोहम्मद राहिम बताओ जल्दी अच्छा मोहम्मद राहिम बताओ खामोश अंताह बता अमालुकुम ऑरेलिया अलेक्जेंडर सेकंड वाली लाइन का कौन सा वर्ड सेकंड बिल कौली समरा अली चली गई मोहम्मद ताहा सफवान लखानी भाई एग्जाम्पल कहाँ से शुरू हो रही है मैं ये पूछ रहा हूँ ला तजरू से मोहम्मद अतीफ हाँ कहाँ से बाज़िकुम लिबाज़िन से कजारी से शुरू हो रही है मोहम्मद अतीफ मेहताब बेग जल्दी बताओ अहमद रजा बताओ अहमद रजा सरोज सला जहरा जैदी अली मोहम्मद हाँ साइम फैसल कहाँ है हाँ ये एब्सेंट था अरसलान वीरक बताओ जल्दी क्यों नाम नहीं आ रहा अभी बताना तुम क्या नाम है जल्दी मुस्तफा अमान अब्दुर रहमान बिलकौली से मोहम्मद वक्कास कहाँ है मोहम्मद कबीर मोहम्मद हुसैन बिलकौली से शुरू होगा मोहम्मद हुसैन आप वक्कास मलिक ला तजरू से शुरू होगा शान वलीम मर्चेंट जल्दी बोलो जल्दी
कजहरी से आसिफ अली, आसिफ अली, शाहिद सलीम, शाहिद सलीम जल्दी बोलो, मोहम्मद फवाद हसन अली, सरदार उजैर, और क्या रह गया भाई, मोहम्मद असफर, मोहम्मद अनस इमरान, हाँ कजारी से मजहरुल हक जी, हाँ ला तजरू से आपके क्या नाम है, अनस मजा, अहमद सलीम सरैया, मोहम्मद राफे रुक जाओ, फलीलुल्ला बोलो, मोहम्मद याहिया कहाँ है, याहिया नहीं है, अब्दुल्ला जमाल भाई कजाहरी से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था अरबिक में वर्ड आता है काफ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए अरबिक में आता है काफ आता है, ठीक है भाई ये कंप्लीट हो गया, इसी तरह आप बाकी अपने पेपर की कंप्लीट तैयारी करें। दूसरा ये कि आखिरी बात मेरी ये है वो सुनना जाए, बैठ जाए जगह पे, देखो ये हमारी जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है फिर ये एंड होता है, आप फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास में आते हैं तो जो आपका रवैया होता है ताल्लुक होता है वो बिल्कुल बेगाना और अजनबी होता है, तो उस वक्त आपका हमसे कोई नाराज़गी नहीं होती, आखिरी क्लास तक बहुत सा वक्त गुजर जाता है तो तलबा की कुछ नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं, हम भी इंसान हैं तो गलतियाँ होती हैं, इंसान है इसीलिए हम माजरत कर लेते हैं, आखिरी क्लास में माफ़ी मांग लेते हैं दिल से भाई, किसी के कोई अगर ऐसा मामला होता है तो वो हमें